पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। 86 वर्ष के रतन टाटा को सोमवार को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया था, बुधवार को उनका निधन हो गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया, जहां से उनके पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि ले जाया गया। बता दें, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2016-17 तक एक बार फिर उन्होंने समूह की कमान संभाली। उसके बाद वो समूह के मानद चेयरमैन की भूमिका में आ गए थे। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, बिजली से अग्निदाह किया गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस दौरान मध्य मुंबई स्थित शवदाह गृह में भी उपस्थित थे।